LIC, अब जो होना था हो गया, आज अलॉटमेंट मिलने वाले हैं। तो अलॉटमेंट आएंगे और आई एम श्योर के अलॉटमेंट सबको मिलेंगे। इशू बड़ा था और ऐसा सब्सक्राइब वैसे देखा जाए तो अच्छा सब्सक्राइब हुआ, लेकिन इतना और सब्सक्राइब नहीं कि आपको अलॉटमेंट ना मिले। लेकिन अब वही है कि संकेत जो आ रहे हैं, मार्केट का मूल माहौल है, कितनी प्रीमियम पर लिस्ट होगा यह देखना होगा। बट हाँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन डिस्काउंट का है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और पॉलिसी होल्डर्स के लिए, तो एटलीस्ट आपको कैपिटल लॉस वाला रिस्क नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आप लिस्टिंग पे कमाने की सोच रहे हैं तो वैसा भी नहीं, ये स्टॉक लिस्टिंग के लिए है भी नहीं, था भी आपने नहीं, आपने तो कहा शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है, बस वही वाली बात है। तो देख, लेट्स ठीक है, चलिए तो वहां पर भी बाकी आईपीओ का तो हाल आप देख रहे हैं, डिलीवरी और प्रूडेंट सब, देखिए ये सब आईपीओ है, डिलीवरी लॉस मेकिंग कंपनी है, अब इस तरह के माहौल में आपको क्यों रिस्क लेनी है। Exactly. आप देखो रेनबो जैसा आईपीओ इतना भरने के बावजूद नीचे खुला है, बिल्कुल प्रूडेंट है कंपनी, में सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन महंगा है, लिस्टिंग के बाद ले लें या फिर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो ले, वैसा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए नजर है।